टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनावी दंगल हो रहा है। एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को शह और मात का खेल देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद के हों, उप चेयरमैन के हों, चेयरमैन के हों। अभी हमारी पूरी टीम कैमरामैन प्रियांशु झा के साथ अररिया जिला के नरपतगंज में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात वार्ड नंबर 17 में वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी धीरज कुमार श्रीवास्तव उर्फ सोनू जी से हुई। इनसे ही जानेंगे कि ये चुनावी मैदान में क्यों आए हैं, क्या काम करना चाहते हैं अपने वार्ड के लिए। धीरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने नरपतगंज के सभी सम्मानित जनता मतदाता उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ जी। और इस चुनाव में मेरे 5 मुख्य उद्देश्य हैं जी। पहला उद्देश्य, जो भी लाभुक यहाँ के अभी तक जिनको आवास योजना, शौचालय योजना से वंचित है, उनको मैं पहले इस योजना का लाभ दिलाऊंगा। सेकंड, राशन कार्ड और योजना जो अभी तक जिनको जो उससे वंचित हैं, उनको राशन कार्ड बनवा के उनके घर तक दिलवाऊंगा। थर्ड मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जहाँ भी अभी तक कच्ची सड़क है उसको मैं पक्कीकरण करवाऊंगा जी। और उसमें जल नल योजना में जो अनियमितता हुई है उसको सुचारू रूप से चलवाऊंगा जी। और फोर्थ मेरा पॉइंट ये रहेगा कि मतलब जो बालिकाएं जो जिनकी शादी नहीं हो पाती है उनको जो बालिकाएं की शादी नहीं हो पाती है उनके लिए जो सरकार की ओर से फंड आता है कन्या विवाह योजना करके, उनका मैं उनको लाभ दिलवाऊंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं को आप आगे कैसे बढ़ाएं। महिलाओं के लिए सर जी, महिलाओं के लिए मैं लघु उद्योग छोटे छोटे उनके लिए उद्योग टाइप जो कार्य होता है वो उनको दिलवाऊंगा, सिलाई या छोटे छोटे फॉर्म वगैरह के लिए, जिनसे उनका विकास हो पाए जी, वो आगे बढ़ें। धीरज जी, आप भी एक युवा प्रत्याशी हैं जी। यहाँ पे युवा भी बहुत सारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, नौकरी आप नहीं दे सकते, लेकिन आप युवाओं के लिए क्या काम करते हैं? सर, उनको मैं रोज़गार दे सकता हूँ। कैसे रोज़गार? इस तरह से दे सकता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ फंड आते हैं जो काम करने के लिए, जो भी मान लीजिए सर सड़क का फंड आया, सड़क में जो काम करने के लिए ज़रूरत लोगों की है वो मैं अपने वार्ड से ही लूँगा। मनरेगा के तहत उनको काम देंगे जी। सर, बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं धीरज जी। और यहाँ पे जब हमारी टीम घूम रही थी तो एक चीज़ पता चला जी सर, कि कुछ वृद्धजन ऐसे हैं जिनकी उम्र तो 60 वर्ष हो चुकी है लेकिन उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। सर, मैं इस पॉइंट पे आ रहा था जी। कुछ जो भी वृद्धजन हैं जिनको सरकारी योजना, वृद्धा पेंशन, और कुछ ऐसे भी हैं लाचार आदमी जिन्हें विकलांग योजना अभी तक नहीं मिल पाया है, उस पर मैं बहुत सबसे पहले मैं फोकस उन्हीं पर करूँगा जी और उनको उनका लाभ दिलवाऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या तो आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, वृद्धा पेंशन हो या विकलांग योजना हो, इसके तहत ली जाने वाली घूस को मैं पूर्ण रूप से रोक दूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच, क्योंकि एक युवा ही एक ऐसा कर सकता है, घुसखोरी प्रथा को कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, भ्रष्टाचार को बंद कर सकता है, बिचौलियों का आदान प्रदान जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है धीरज जी। आपने बताया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, चाहे वो पापड़ का उद्योग हो, दिया सलाई का हो, अगरबत्ती का हो, मोमबत्ती का हो, इस तरह का छोटा छोटा उद्योग अगर लगता है तो महिलाएं अपने पैरों पर भी खड़ी होंगी और स्वावलंबी बनेंगी और उनको सबसे ज़्यादा मदद आर्थिक मदद भी मिलेगा जी और उनका घर भी चलेगा जी। अब आपने बताया युवाओं के लिए भी आप काम करेंगे, युवाओं के लिए भी जीविका के थ्रू तरफ से सरकार के तरफ से बहुत तरह का अनुदान दिया जाता है जिससे वो मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, मशरूम की खेती, इस तरह का चीज़ मतलब उद्योग लगा के अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप सोच लेके आए हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, यहाँ की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं?
सर, मैं यहाँ की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैंने जितने भी बातों को रखा है, बनने के बाद मैं सर्वप्रथम उस कार्ड को करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है, घर के लोग हमें प्यार से सोनू पुकारते हैं और गांव घर के लोग भी सोनू के नाम से ही जानते हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सर, मेरा चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप, जो कि क्रम संख्या 4 पे है, वार्ड नंबर 17। आपने देखा हमारे प्रत्याशी जो हैं धीरज श्रीवास्तव और सोनू, इनका कहना क्या है कि चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, नशा मुक्त समाज होगा। और प्रत्याशी बहुत लोग लाइन में हैं, एक चीज़ और कहते हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, आप उसमें फंसना नहीं। देखते हैं जनता इनको कहाँ तक समर्थन करती है, कितनी दूर तक ले जाती है, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहे के लालचा टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।